हेलो एवरीवन क्लास एलेवेंथ इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक के सल्यूशन हम देख रहे हैं इसके पहले के वीडियोस में हम थर्टीन क्वेश्चंस तक कर चुके हैं आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो कि है थ्री मार्क का और ये क्वेश्चन आएंगे आपके पोइट्री से लेकिन ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट नहीं होंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वॉट आर थ्री फेजेस डिस्क्राइब इन द पोएम अ फोटोग्राफ ये जो पोएम दी गई है अ फोटोग्राफ इसमें कौन सी तीन फेजेस बताई गई हैं तो देखिए इसमें तीन फेज में फर्स्ट फेज़ कौन सी है फर्स्ट फेज डिपिक्स द हैप्पी चाइल्डहुड ऑफ़ द पोएट्स मदर इसमें उसका हैप्पी चाइल्डहुड बताया गया है किसका पोएट की मदर का और जो सेकेंड फेज है वो बताया गया है हैप्पी मोम ये पोएट की मदर का है और जबकि ये सेकेंड फेज़ में हैप्पी मोमेंट ऑफ़ द पोएट विद हर मदर अपनी मदर के साथ में पोएट का जो हैप्पी uh, मोमेंट्स थे वो बताया लेकिन जो तीसरा फेज़ है ये बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसमें बताया गया है पोएट की सैडनेस क्यों क्योंकि उसकी जो मदर थी उस उनकी डेथ हो चुकी है इस तरह से इसमें तीन फेजेस बताई गई हैं सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ फोटोग्राफ पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है तो ये जो पोएम है इज़ अ लविंग ट्रिब्यूट ऑफ द पोएट टू हर मदर ये पोएट का अपनी मदर के लिए एक ट्रिब्यूट है इसमें और क्या बताया गया है थ्रू द फोटोग्राफ द पोएट रिकॉल्स द टाइम ऑफ रेसेंट पास्ट इन प्रेजेंट तो अभी वर्तमान में जो उसका गुजरा हुआ कल है उसको वो याद करता है एक फोटोग्राफ या कहना चाहिए जो जो फोटो खिंचा हुआ था उसके माध्यम से वो याद करता है तो ये दो क्वेश्चन हुए अब, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप तो ये जो पोएम है लेबरनम टॉप इसमें पोइट किसके बारे में बात करते हैं ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं है. किस किसके लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंच तो इसमें जो लेबरनम ट्री है और गोल्ड फिंच बर्ड है इनका आपस में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है द मेन थीम ऑफ द पोइम इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट इसका जो मुख्य थीम है वो है म्यूचुअल बेनिफिट द ट्री वॉज मैच अराइव बाय द चर पिंग ऑफ बर्ड एंड इट्स चिक्स तो ये जो है जो ट्री होता है साइलेंट रहता है लेकिन जैसे ही इस पर बर्ड आती है तो उसके जो चिक्स होते हैं वो भी चर्पिंग स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा जो ट्री होता है वो लाइव बन जाता है लेकिन जैसे ही वो बर्ड चली जाती है फिर से वो जो ट्री है लेबरनम ट्री वो साइलेंट हो जाता है तो इनकी रिलेशनशिप बताई गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम तो बिगनिंग और एंड में क्या है द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज द लेबर नम टॉप इज साइलेंट पहली लाइन में भी साइलेंट है और सेकेंड जो लास्ट लाइन है उसमें है द लेबर नम सबसाइड्स टू एम दूसरी जो लास्ट लाइन है वो भी यही बताती है कि वो वापस से खाली हो गया द एंटा एक्टिविटी ऑफ गोल्ड फिंच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबरनम ट्री टू बिकम वाइब्रेंट तो पूरी जो एक्टिविटी है वो किसकी है? गोल्ड फिंच बर्ड की जिसके कारण ये जो लेबरनम ट्री है ये वाइब्रेंट हो जाता है अब है अगला क्वेश्चन वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट इंजन की इमेज क्यों बताई गई है द इमेज ऑफ द इंजन इज इवॉक्ड बाय द पोएट बिकॉज इट सर्व्स एज ए सोर्स क्योंकि जो इंजन होता है वो क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसी भी मशीन के लिए सोर्स ऑफ इंजन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है उसका इंजन इसी तरह से द बर्ड सर्वस एज ए सोर्स ऑफ़ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली बर्ड भी अपनी फैमिली के लिए इंजन का काम करती है इसलिए उसे इंजन के रूप में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम द लेबर नम टॉप शुरू में क्या होता है लास्ट में क्या होता है द बिगनिंग ऑफ द पोएम डिस्क्राइब अ साइल शुरुआत में क्या है साइलेंट एंड लेबर नम ट्री है जिसमें विच इज़ नो नॉइज और मोमेंट और लाइफ कुछ भी नहीं है न तो नो लिखना जरूरी है आपको कि कोई आवाज नहीं है कोई मोमेंट नहीं है कोई लाइफ नहीं है लेकिन द एंडिंग इज आल्सो सिमिलर एंडिंग भी यही है वेयर द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे इन टू द वास्ट स्काई जब गोल्ड फिंच बर्ड पूरे आसमान में उड़ जाती है इस लेबरनम ट्री पे से चली जाती है तो वापस से ये जो ट्री है वो साइलेंट हो जाता है वाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन क्या होगा अगर बारिश नहीं होगी इफ़ इट रेन द अर्थ विल रिमेन पाज ड्रॉट टिट फॉलो एंड द डस्ट लेयर विट नॉल विल नॉट बी वाश्ड अवे तो यदि बारिश नहीं होती है तो क्या होगा सूखा पड़ जाएगा अकाल पड़ जाएगा और जो आ, अर्थ पे जो डस्ट की लेयर है वो भी नहीं धुलेगी देयर विल बी नथिंग टू क्रेंच द थ ऑफ़ द प्लांट एंड ट्रीज एंड दियर सीड्स विल डाई तो जो प्लांट्स हैं उनकी थस्ट उनकी प्यास नहीं बुझ पाएगी और उनके जो सीड्स हैं या बीज हैं वो मर जाएंगे हाउ डज द रेन क्लीन द अर्थ रेन किस तरीके से अर्थ को क्लीन करता है रेन खुद को क्या कहता है रेन कहता है कि मैं तो अर्थ की पोयम हूँ और वो क्या करता है फ्रॉम स्काई इट पोर्स डाउन ऑन अर्थ टू वॉश द ड्राई टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ तो वो क्या करता है कि आसमान से अर्थ के ऊपर जो आ, जो ड्राई जो सूखे से छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं और डस्ट लेयर हैं उनको सबको क्या कर देता है वो वॉश कर देता है अगला क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इसका सेंट्रल आइडिया क्या है द पोएम प्रजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन सेल्फ किस किस की बात हो रही है पोएट की और रेन के बाद की आपस में बातचीत हो रही है द रेन डिस्क्राइब्स हर इम्पोर्टेंस फॉर मदर अर्थ रेन बताती है कि उसका अर्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है एंड द ब्लैसिंग्स शी शॉवर्स अपॉन इट्स पीपल और ये भी बताती है कि वो लोगों के ऊपर कितने ब्लैसिंग्स नेछावर करती है कितने लोगों को उससे फ़ायदा होता है क्वेश्चन नंबर टेन वैन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्ड हुड पोएट ने अपना चाइल्ड हुड कब खोया तो वो खोया था उन्होंने वे जब वो ग्यारह साल के थे ही रियलाइज दैट ही हैड लास्ट हिज चाइल्ड हुड एंड डेवलप माइंड ऑफ हिज़ ओन तो जब ग्यारह साल के थे तब उनको लगा कि उनका बचपन चला गया है और उन्होंने ये महसूस किया कि अब डेवलप्ड है अपना खुद का उनका माइंड जो है वो डेवलप हो गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फादर टू सन तो इसमें फादर क्यों असहाय हैं इसमें ये जो पोएम है ये आ, इस पोएम में जो फादर की प्रॉब्लम है वो ये है कि ही डजेंट अंडरस्टैंड हिज सन वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाती दो ही हैज़ लिव्ड विद हिज सन इन द सेम हाउस फॉर इलेवन फॉर इलेव फॉर ईयर्स कई सालों से बाप बेटे साथ में ही रह रहे हैं ही फील्स दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनको लगता है कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये उनकी असहायता है तो ये इस तरीके से इसके ग्यारह क्वेश्चंस थे जो हमने इसमें कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ओके थैंक यू स्टूडेंट्स